सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की बात करेंगे, जिसमें तमाम फर्जी, मनगढ़ंत और भ्रामक खबरें और थ्योरी चल रही हैं। कृपया ऐसी खबरों से बचिए, परहेज करिए। सही और सच्ची खबर के लिए सिर्फ आज तक पर बने रहिए, क्योंकि सुशांत मामले में सही और सच्ची और साथ ही निष्पक्ष खबर देखने के लिए आप देखते रहिए आज तक। सुशांत केस में हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है। हर दिन के साथ रिया चक्रवर्ती के परिवार की मुसीबत बढ़ रही है। आज लगातार तीसरे दिन भी सीबीआई रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है। हालांकि रिया की मां से सवाल जवाब आज नहीं होंगे। रिया के पिता के साथ शौविक पर भी जांच एजेंसियों का फंदा कस रहा है। आज ईडी शौविक चक्रवर्ती से सवाल करेगी। रिया के साथ चैट में नाम आने से घिरे खिलाड़ी ऋषभ ठक्कर से पूछताछ हो रही है। थोड़ी देर पहले ही ऋषभ ईडी के दफ्तर में पहुंचे हैं। तो लगातार ये पूछताछ का दायरा उस ग्रुप पर बढ़ता हुआ जिसका व्हाट्सएप चैट पाया गया। हालांकि दावे अलग अलग पक्षों की तरफ से अलग अलग किस्म के हैं, लेकिन जो सबूत एनसीबी के हाथ लगे, जिसके आधार पर ड्रग्स पेडलर की गिरफ्तारी हुई और उन पेडलर्स के साथ बातचीत शौविक चक्रवर्ती की थी, जिसमें ड्रग्स लेने से लेकर ड्रग्स की डीलिंग तक में शौविक चक्रवर्ती पहली नजर में दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में आगे का इन्वेस्टिगेशन कैसे बढ़ता है, ये देखना होगा। लेकिन रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत से भी सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, क्या हलचल, क्या अपडेट आप देख पा रहे हैं? आज किन किन की पूछताछ और किस तरीके से आज का दिन बेहद अहम ड्रग्स एंगल मामले को लेकर? जी देखिए, ड्रग एंगल मामले को लेकर ही इस पूरे अगर मामले की बात करें तो पिछले दो दिन से ही तफ्तीश चल रही है। और अगर आज की बात करें तो आज एक और शख्स को जो ड्रग पैडलर है उसको हिरासत में लिया है, और बाकी जो कल दो ड्रग पैडलर गिरफ्तार हुए थे उनको आज अदालत में पेश किया जाएगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो 10 दिन की रिमांड मांगेगी। आपको बताऊं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को काफी अहम लीड मिली है सुशांत की मौत के मामले में, जो ड्रग्स कनेक्शन की तफ्तीश है उस मामले में। और अब जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उसके रडार पर शौविक चक्रवर्ती जोरिया के भाई है वो, और सैमुअल मिरांडा, वो दो लोग हैं। इसके अलावा लगातार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस पूरे मामले में जो ड्रग्स एंगल है उसकी तफ्तीश कर रही है। आज अदालत में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो दो ड्रग पेडलर गिरफ्तार हुए थे जिसके शोविस से कनेक्शन थे उनको पेश करेगी और 10 दिन की रिमांड मांगने की कोशिश करेगी। और बहुत जल्द, मैं आपको बताऊं मीनाक्षी, जो हमें जानकारी मिली है बहुत जल्द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो 1 से 2 दिन के अंदर इसमें चौंकाने वाले खुलासे करेगी। ठीक है, लौटेंगे अरविंद आपके पास। मुस्तफा हमारे साथ मौजूद है, सेशन कोर्ट के बाहर इस वक्त मौजूद है। मुस्तफा, आज आरोपियों की पेशी भी होनी है, किस समय तक पेशी होगी, अपडेट इस पर? बिल्कुल, अब से कुछ ही देर में इसी एस्प्लेनेड कोर्ट जो कि मैजिस्ट्रेट कोर्ट है मुंबई स्थित सीएसटी इलाके में, वहां पर इन आरोपियों को प्रोड्यूस किया जाना है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इन लोगों को अरेस्ट किया है ड्रग्स के मामले में, और ये ड्रग्स के तार क्योंकि कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती के भाई से जुड़ते आ रहे हैं, इस केस में भी आप कह सकते हैं कि जो तवज्जो है वो बढ़ता इस वक्त दिख रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पूरे मामले की तफ्तीश कर जो लोग आए हैं उन्हें डिटेन कर इस मामले की तफ्तीश आगे कर रही है। आज जब कोर्ट में पहली बार इन आरोपियों को प्रोड्यूस किया जाता है तो शायद इसका अंदाजा लग सके कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आखिर किस तरह का केस जो है इस मामले में एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है। अब तक कितना ड्रग्स पकड़ा गया है, कितने माल का आप कह सकते हैं रेवेन्यू का वहां पर सीजर हुआ है, किस एंगल में वो लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। अमित त्यागी हमारे संवाददाता है, रिया के घर के बाहर से मौजूद है। अमित, शौविक चक्रवर्ती और रिया के पिता दोनों पूछताछ के लिए निकल चुके हैं? मैं इस वक्त रिया के घर के बाहर हूँ और सुबह सुबह सबको लग रहा था कि शौविक निकलेंगे, लेकिन रिया के पिताजी इंद्रनीत सुबह सुबह निकले और वो गए थे डीआरडीओ ऑफिस क्योंकि सीबीआई के साथ उनकी पूछताछ चल रही है। तो वहीं पर अभी इंतज़ार है हमें शौविक का, क्योंकि थोड़ी देर में शौविक निकल सकते हैं ईडी की पूछताछ के लिए। ये है सांताक्रूज एरिया और यहाँ से वो जाएंगे टाउन, तो पूरा उनको 1 से 1.5 घंटा लग सकता है। तो इस वक्त कोई हलचल नहीं है, पुलिस की वैन एक आके खड़ी हुई है, यानी पूरे इंतजाम हो गए हैं शौविक को ले जाने के लिए कि ईडी शौविक से क्या पूछताछ करेगा और ढेर सारे खुलासे जो आज होने वाले हैं, क्योंकि ढेर सारे नाम निकल के आ रहे हैं बॉलीवुड के, तो एक एक करके प्याज के छिलकों की तरह परतें खुलने लगी। लेकिन आज एक बड़ी
जब शौविक का नाम आया है और बाकी लोगों का नाम आया, तो आज का दिन बहुत अहम है कि शौविक के साथ ईडी क्या पूछताछ करेगी। ठीक है, आपके पास लौटेंगे अमित। हमारे साथ इस वक्त पंकज भी मौजूद है ईडी ऑफिस से। पंकज, ये बताइए कि अभी आज किसकी पेशी हुई है ईडी में, और दूसरी बड़ी बात यह कि एनसीबी तो ड्रग्स के एंगल को खंगालेगी ही, लेकिन जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुए इस मामले में वो ईडी के रडार पर जरूर होंगे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ही वो एजेंसी है जो फाइनेंशियल एंगल पे पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो आज सुबह से क्या डेवलपमेंट हुए हैं दर्शकों को ये बताते हैं। 11:06 पर वरुण माथुर ईडी के दफ्तर में यहाँ पर पहुंच गए, उनसे पूछताछ करी जाएगी। कल भी वरुण माथुर से करीब 12 घंटे तक पूछताछ करी गई थी। वरुण माथुर कौन है? बिजनेस पार्टनर है सुशांत की कंपनी के, वो कंपनी जो गुरुग्राम में फॉर्म की गई थी। इसके अलावा 11:22 पर ऋषभ ठक्कर ईडी के दफ्तर पहुंचे, उनसे भी आज पूछताछ करी जाएगी। ऋषभ ठक्कर कौन है? ऋषभ ठक्कर नेशनल लेवल बिलियर्ड्स प्लेयर है, इनसे भी पहले पूछताछ कर चुकी है ईडी। अब ये खास क्यों है? क्योंकि इनका नाम एक व्हाट्सएप चैट ग्रुप में बाहर आया था, जिसमें ये कहा गया था शायद ये भी ड्रग कंजम्पशन की बातें कर रहे हैं। अब हो ये रहा है, हालांकि ईडी फाइनेंशियल एंगल पर बात कर रही है, लेकिन फाइनेंशियल एंगल को खंगालते खंगालते ड्रग्स एंगल भी सामने आ गया। जब फोन्स की क्लोनिंग करी गई रिया चक्रवर्ती की, शोविक की, तब उसमें पता लगा कि कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं जो ड्रग्स कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, इसीलिए इन सब के नाम आए हैं। अब उसमें कुणाल जानी का भी नाम आया था जो मुंबई के होटेलियर हैं, उनसे भी बातचीत पहले कर चुके हैं। साथ ही साथ गौरव आर्या हमें पता है जो गोवा के होटेलियर हैं, उनसे भी ईडी दो दिन पहले दो बार कम से कम पूछताछ कर चुकी है। तो इस वक्त ईडी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है, जैसे जैसे उसको ड्रग्स एंगल सामने मिल रहे हैं लोगों से पूछताछ कर रही है फाइनेंशियल एंगल के बारे में, और उसकी जानकारी एनसीबी को दे रही है। तो यहां पर परफेक्ट कोऑर्डिनेशन हो रहा है। अब महत्वपूर्ण बात यहां पर जानने की यह है कि हाउ डिड द ईडी स्टंबल अपॉन दिस ड्रग एंगल। अब ईडी ने पहले ही कहा कि उसने एक चीज तो नोटिस करी कि थोड़ा थोड़ा जो अमाउंट था वो सुशांत के अकाउंट से बाहर जा रहा था। अब वो क्योंकि वो खंगाल रही थी कि आखिर क्या 15 करोड़ साइफन हुए या नहीं, तो 15 करोड़ तो साइफन होते हुए उसको नजर नहीं आए। लेकिन एक चीज जो बारीकी से नोटिस करी गई वो ये कि थोड़ा थोड़ा जो अमाउंट था वो रेगुलर इंटरवल्स में सुशांत के अकाउंट से बाहर जा रहा था। तब इसमें तफ्तीश करी गई कि आखिर ये लौटेंगे आपके पास तमाम महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर पंकज देते हुए। लेकिन महाराष्ट्र गृह मंत्री अनिल देशमुख ने फिर कहा है कि मुंबई पुलिस की क्षमता पर उंगलियां नहीं उठाई जा सकती है। ऐसा है कि सभी लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र पुलिस हो या मुंबई पुलिस हो, पूरे भारत में महाराष्ट्र पुलिस और मुंबई पुलिस का नाम है। स्कॉटलैंड यार्ड के साथ में महाराष्ट्र पुलिस की तुलना की जाती है, और ऐसे इसमें जो सुशांत सिंह के इसमें जो जिस प्रकार से मुंबई पुलिस को जो टारगेट बनाया गया, उसके बारे में जो रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी है उन्होंने जो याचिका दाखिल की है उसका मैं स्वागत करता हूँ। तो आपने देखा कि किस तरह से एक बार फिर मुंबई पुलिस का बचाव कर रहे हैं, लेकिन देखिए मुंबई पुलिस पर के इन्वेस्टिगेशन पर जो सवाल खड़े हुए हैं वो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने खड़े किए। उनके वकील विकास सिंह ने सीधे तौर पर यह कहा कि बहनों से भी जो स्टेटमेंट लिया गया जिसमें पुराने बयान में और वर्तमान बयान में फर्क दिखाई देता है वो मराठी भाषा की अंडरस्टैंडिंग ठीक ना होने की वजह से हुआ, इस बात का जिक्र विकास सिंह ने किया। तमाम संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, आपसे यहां पर यह भी समझना चाहेंगे, जिस तरह से ये मुंबई पुलिस को जो बयान सुशांत सिंह राजपूत की बहनों ने दिए थे और वर्तमान में जिस एंगल से वो केस लड़ रहे हैं, ये जो फर्क दिखाई दिया स्टेटमेंट्स में, आने वाले दिनों में सीबीआई जब इस पर आगे बढ़ेगी या किसी कंक्लूजन पर पहुंचेगी तो ये कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं? पंकज, आपको आवाज मिल रही है? चलिए पंकज से हम फिर संपर्क करेंगे। अरविंद हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद, ड्रग्स के एंगल पर ये देखना जरूर होगा कि अभी तक सीबीआई को हत्या को लेकर कोई सबूत नहीं मिला है और इसीलिए आत्महत्या का एंगल भी सीबीआई के सवाल जवाबों की फहरिस्त में शामिल है और उस पर भी इन्वेस्टिगेशन एक बड़े स्पेक्ट्रम पर दिखाई दे रहा है। लेकिन ड्रग्स अपने आप में एक ऐसा मामला है जिसमें ये जो एक व्हाट्सएप ग्रुप था जो बातचीत कर रहा था सिर्फ यही शामिल नहीं था, इसमें जिस तरह से बॉलीवुड का एक बड़ा नेटवर्क शामिल दिखाई देता है, उस नेटवर्क की जानकारी किसी को रही ना हो ये बात गले नहीं उतरती है? जी देखिए, बॉलीवुड और ड्रग्स के का जो ये पूरा मामला है ये आप सभी को मालूम है, यहाँ तक कि मुंबई पुलिस को भी मालूम है। लेकिन जब ये सुशांत की मौत हुई संदिग्ध परिस्थितियों में, उसके बाद से ही जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम यहाँ पर आई
तो न सिर्फ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को बल्कि हमारी टीम को भी जानकारी मिली कि यहाँ कई ऐसे बड़े ड्रग्स माफिया हैं जो कॉलेज स्टूडेंट के जरिए बॉलीवुड में ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं, जिसके बाद पूरे इस नेक्सस को तोड़ने की रणनीति नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बनाई, जिसके बाद आपने देखा कि ताबड़तोड़ एक के बाद एक लोगों की गिरफ्तारियां हुई है, जिसमें दो गिरफ्तारी सीधा सौविक से कॉन्टेक्ट में है और सीधा सैमुअल मिरांडा से कॉन्टेक्ट में है, उनको गिरफ्तार किया गया, उनको अदालत में आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पेश करेगी। साथ ही साथ अब से कुछ देर पहले एक ड्रग पैडलर को और हिरासत में लिया गया है, इससे पूछताछ चल रही है। इसके बाद अगर इस केस की पर्टिकुलर केस की बात की जाए तो इसमें जो अगला नंबर है वो रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक का है और जो सुशांत का स्टाफ था सैमुअल मिरांडा इसका है, इसको अब शिकंजे मिलेगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, फिर इसके जरिए और अंदर तह तक जाएगी और बहुत मुमकिन है कि रिया तक भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हाथ बढ़े। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो शोविक और सैमुअल मिरांडा ये जो दो ऐसे नाम हैं जो सीधा सीधा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो रडार है उस पर है। जी पंकज भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पंकज से संपर्क साधते हुए हम सबसे पहले आपको ये बता दें कि ड्रग चेन कैसे इस पूरे मामले में अब खुलकर सामने आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था, उसमें अलग अलग नाम हैं जिनसे अब ईडी भी पूछताछ कर रही है, सीबीआई अपने स्तर पर परिवार वालों से जांच कर रही है। लेकिन इस बीच अमित त्यागी हमारे संवाददाता लगातार रिया के घर के बाहर से मौजूद है। अमित, आज जो पूछताछ होनी है शोविक से उसके लिए कब तक निकलेंगे वो? आई थिंक आधे घंटे में उम्मीद लगाई जा रही है कि शोविक निकलेंगे। गाड़ी तो काफ़ी देर से पुलिस की आई हुई है जो यहाँ पर खड़ी है। पिताजी सुबह जा चुके हैं जो सीबीआई के ऑफिस गए हैं डीआरडीओ में, लेकिन शोविक आज जाएंगे ईडी के दफ्तर में, जो एक बहुत बड़ी बात है हमारे। ठीक है, आधे घंटे बाद शोविक निकलेंगे। पंकज हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज, आप क्योंकि ईडी के लिहाज से इस पूरी जांच को समझा रहे थे, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उसमें कई बार बड़े अमाउंट सुशांत के खाते से निकले हैं, ऐसा क्या हो सकता है और इस बारे में क्या ईडी जांच कर रही है कि ये साइफन ऑफ किए गए हों सुशांत की जानकारी के बिना, या सब कुछ उनकी जानकारी में ही चल रहा था? देखिए, ईडी का कहना है कि अभी भी उसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है और यही कारण है कि वो बार बार जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुला रही है और उनसे पूछताछ कर रही है। रिया चक्रवर्ती हो, चाहे शोभित चक्रवर्ती हो जिनको आज एक बार फिर से बुलाया गया है, चाहे इंद्रजीत चक्रवर्ती हैं जो रिया के पिताजी हैं, उनको पहले भी यहाँ पर बुला के उनसे पूछताछ हो चुकी है। अब ईडी क्या कर रही है, जो बिजनेस पार्टनर्स थे ये हमने पहले एक्टिविटी नहीं देखी, अब नया क्या हो रहा है, अपने इन्वेस्टिगेशन के स्कोप को ईडी भी वाइडन कर रही है सीबीआई की तरह। इसीलिए जो बिजनेस पार्टनर थे एक कंपनी में वरुण माथुर, जो कि ये गुरुग्राम बेस्ड कंपनी है, उनको भी दो बार बुलाया जा चुका है और उनसे यहाँ पर पूछताछ करी गई है ये जानने के लिए क्या कहीं ऐसा हुआ है उस कंपनी में। हालांकि ऊपरी तौर से ऐसा लगा कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं है, लेकिन क्या उसमें कुछ फंड ट्रांसफर्स हुआ था, एमओयू क्या था, अगर कुछ प्रॉफिट जनरेट होते तो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता उसका, क्या वो भी रिया चक्रवर्ती के संपर्क में थे, अगर रिया के नहीं क्या इंद्रजीत चक्रवर्ती के संपर्क में थे, ये तमाम जानकारी के लिए वरुण माथुर को यहाँ पर बुलाया जा रहा है। ईडी ने पहले ही कहा था, हालांकि उसको ये नहीं लगा किसी भी तरीके से कि 15 करोड़ वर्थ ऑफ अमाउंट वाज साइफंड ऑफ, इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी नजर नहीं आई। हालांकि ईडी के सूत्रों ने यह जरूर बताया कि उन्होंने एक बड़ी पिक्यूलर चीज जो नोटिस करी वो ये कि थोड़े थोड़े जो अमाउंट थे वो रेगुलर इंटरवल्स पे निकल रहे थे। पहले समझ में नहीं आया कि रेगुलर इंटरवल्स पे ये अमाउंट निकल रहे हैं, आखिर किस लिए निकल रहे हैं, क्या रिया अपनी शॉपिंग के लिए या अपने फैमिली मेंबर्स के ऊपर इन्हें खर्च कर रही है, जैसा कि कई बार आरोप लगाया गया था खुद सुशांत के पिता और उनकी फैमिली द्वारा। लेकिन फिर जब फोन्स की क्लोनिंग करी गई, जब जो चैट्स हैं उनका एनालिसिस किया गया, तब ये बात सामने आई कि इसमें तो एक बड़ा सनसनीखेज मामला भी सामने आ गया है और वो ड्रग्स एंगल का है। इसीलिए अब क्योंकि नए नए स्टेक होल्डर सामने आ रहे हैं, चाहे वो कुणाल जानी है जो कि मुंबई के सबर्बन इलाके में होटेलियर हैं, चाहे गौरव आर्या का नाम हो जो कि गोवा में होटेलियर हैं, या फिर साथ ही साथ सैमुअल मिरांडा का नाम सामने आया, जयंती साहा का नाम सामने आया, श्रुति मोदी का नाम सामने आ गया, शोविक का नाम सामने आ गया। इसीलिए बार बार इनसे पूछताछ करी जा रही है। रुकना पड़ रहा है, वक्त ब्रेक का हो गया, फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।